नमस्कार। धरती को आने वाले संकट से बचाने के लिए हम सभी को प्रदूषण मिटाने की पहल करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज के माहौल में बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, क्यों ना इन छुट्टियों में हम बच्चों की प्रकृति से दोस्ती कराएं। जो भी बीज वाले फल आप घर में लाते हैं, उनके बीज बच्चों से गमले या जमीन में लगाने को कहें और रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालने को कहें। जब बीज अंकुरित होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे बीज से पौधा बनता है और पौधे से पेड़। उन्हें बताएं पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। क्या आप जानते हैं एक बड़ा पेड़ लगभग प्रतिदिन 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 304 ग्राम ऑक्सीजन निर्मित करता है। एक व्यक्ति को 839 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि 3 पेड़ प्रति व्यक्ति होना ही चाहिए। घर में सिंसेविरिया, मनी प्लांट, एरिका पाम, इंग्लिश आईवी, डीपिंग फिग, तुलसी, एलोवेरा लगाएं, ये घर को प्रदूषण मुक्त रखती हैं। आइए अब मैं आपको झरना बनाना सिखाती हूँ, जिसे बच्चे आपकी मदद से आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ दो तरह के झरने बनाए हैं, एक बजरी में पाए जाने वाले पत्थरों से और दूसरा रंगीन मोतियों से। अब मैं आपको पहले बजरी में पाए जाने वाले पत्थरों से बना हुआ झरना सिखाती हूँ। इसके लिए हमको एक बड़ा कुंडा चाहिएगा। कुंडा आप मिट्टी, मेटल या पत्थर किसी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक कूलर में लगाने वाली छोटी मोटर, एक इस तरह की टाइल, इसके बीच में होल होना चाहिए, और कुछ बजरी में पाए जाने वाले पत्थर। सबसे पहले हम मोटर को बीच में रखेंगे, फिर इसके आसपास कुछ मोटर के साइज के पत्थर रखेंगे इस तरह से। कुछ पत्थर आप इस तरह से रख सकते हैं जिससे कि टाइल आसानी से फिक्स हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टाइल फिक्स हो गई। कूलर का ऊपरी पार्ट ये टाइल के होल में से बाहर निकाल देंगे। अब इसके चारों तरफ हम इस तरह से बजरी के पत्थर जमाएंगे कि ये एक छोटी पहाड़ी का रूप ले ले, और इन पत्थरों को एरेलाइट की मदद से चिपका देंगे। चिपकाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये पत्थर सटा के नहीं चिपकाने हैं, थोड़ी सी जगह होनी चाहिए जिससे कि इसके बीच में से पानी आता हुआ दिखना चाहिए, इस तरह से जैसे ये बीच में से दिख रहा है, पत्थरों के बीच में से पानी आता हुआ। और इस टाइल को आप चारों तरफ से ढक देंगे पत्थरों के से। इस तरह से आपका ये झरना तैयार हो जाएगा, जैसे ये झरना बना हुआ है। आप इसके चारों तरफ प्लांट्स लगा के इसको गार्डन का रूप दे सकते हैं। इसके इसमें कुछ एसेसरी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक छोटा सा हाउस रखा है, आप कुछ एनिमल्स भी रख सकते हैं। अब मैं आपको रंगीन मोतियों से बना हुआ झरना बनाना सिखाती हूँ। रंगीन मोतियों के झरने के लिए हमें कुंडे और मोटर के अलावा एक इस तरह की कोला की बोतल नीचे से कटी हुई चाहिए, एक टोकरी की ऊपर से ऊपर पार्ट कटा हुआ टोकरी, आप चाहे नई या पुरानी ले सकते हैं, और एक इस तरह का सिकोरा नीचे से होल किया हुआ, और एक बोतल का साइज का पाइप, और कुछ रंगीन मोती आपकी पसंद अनुसार कोई भी कलर के ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस बॉटल को इस टोकरी में फिक्स करेंगे इस तरह से। अब पाइप का एक सिरा मोटर में फिक्स करेंगे। दूसरा सिरा इस बॉटल में से इस तरह से बाहर निकाल देंगे। ऊपर ये सुकोरा होल किया हुआ फिक्स कर देंगे। पाइप बिल्कुल बॉटल की साइज का होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब रंगीन मोतियों की मालाएं बनाकर इनको इस तरह से आप फिक्स कर देंगे, ये टोकरी नजर नहीं आनी चाहिए।
कर देंगे, एक के ऊपर एक जमाते जाएंगे। आप या एक ही कलर की मालाएं बना सकते हैं या अलग अलग कलर की अपनी पसंद अनुसार कैसी भी मालाएं बना सकते हैं। आपकी जो आकृति बनेगी वो इस तरह से बनेगी। पानी का फ्लो सही करने के लिए इसके अंदर आप मोती डाल देंगे। अगर आपके पास मोती कम है तो अंदर कुछ कंकड़ डाल सकते हैं, ऊपर से इस तरह से मोती लगा देंगे, आपका पानी का फ्लो बिल्कुल सही आएगा। इस तरह से ये इसमें पानी चलेगा, ये आपका रंगीन मोतियों का झरना तैयार है। धन्यवाद।